जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी सेंटर में। यह जो टेस्ट है इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में आने फिक्स हैं। तो ध्यान से पहले आप सभी लोग अपने प्रश्नों के उत्तर लाइव चैट में बताएंगे और जो लोग क्लास बाद में देखेंगे वो कमेंट सेक्शन में बताएंगे। उसके बाद में मेरे द्वारा बताए गए आंसर से अपने आंसर मैच करेंगे और कितने क्वेश्चंस आपके सही होते हैं यह कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आज के इस क्लास का, आज के इस टेस्ट का, पांवों तथा पंजों पर अत्यधिक सूजन किस रोग का विशिष्ट लक्षण है? भोज्य विषाक्तता का यानी फूड पॉइजनिंग, एड्स का, हाथी पाँव का, ऑप्शन डी है मलेरिया का। तो सभी लोग इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन सी हाथी पाँव का। पाँवों तथा पंजों पर अत्यधिक सूजन किस रोग का विशिष्ट लक्षण है? तो ये हाथी पाँव एक रोग है, इसी का विशिष्ट लक्षण है। इस पर क्लास हो चुकी है मानव स्वास्थ्य पर, ये बिल्कुल टेस्ट की तरह है, सिर्फ क्वेश्चन होंगे और इसके आंसर्स होंगे। दूसरा प्रश्न स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है, बैक्टीरियल डिजीज है? दाद, एड्स, मलेरिया, ऑप्शन डी दिया गया है कुष्ठ रोग। इस प्रश्न के लिए जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कुष्ठ रोग क्या है? एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। आपको बता दें अगर आपके पास ना तो अरिहंत की पाठ्यपुस्तक है, आपकी तैयारी कुछ भी नहीं हुई है, तो आप स्टार स्टडी सेंटर के 99 रुपीज़ के बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप वहां से मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न स्क्रीन पर है, एस्कैरिस रोग के निदान हेतु औषधियां देते हैं, एस्कैरियासिस रोग के निदान हेतु औषधियां देते हैं चीनोपोडियम का तेल, वर्मीसॉल, पाइपराजीन, ऑप्शन डी दिया है ये सभी। तो सभी लोग अपने किताब और कॉपी को बंद कर देंगे, बिल्कुल ईमानदारी से प्रश्नों के आंसर करेंगे बिना देखे हुए, क्योंकि अगर आप यहाँ चीटिंग कर लेते हैं तो आप एंट्रेंस एग्ज़ाम हॉल में चीटिंग क्या करेंगे, नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और आप अगर चीटिंग करते हैं तो अपने साथ ही धोखा देते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 है, एस्कैरियासिस रोग के निदान हेतु औषधियां देते हैं, कौन सी औषधि देते हैं ये सभी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चीनोपोडियम का तेल, वर्मीसॉल और ऑप्शन सी दिया है पाइपराजीन। तीसरे नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आएंगे अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन है, हीमोफीलिया एक रोग है, आनुवंशिक, जीवाणु जनित, विषाणु जनित या विटामिन सी की कमी से जनित? इस प्रश्न के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, आनुवंशिक रोग है क्या हीमोफीलिया। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, प्रश्न संख्या 5 है, जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न रोग है एंथ्रैक्स, टेटनस, ए व बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो जीवाणुओं के द्वारा रोग उत्पन्न होता है ऑप्शन ए एंथ्रेक्स सही हो जाएगा, और कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी टिटनस भी सही हो जाएगा। तो ये दोनों सही है और आपके विकल्प में ऑप्शन सी है, ए व बी दोनों, अतः फाइनल जो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ए व बी दोनों यानी कि एंथ्रेक्स और टिटनस। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, सारे क्वेश्चंस को बिल्कुल डिटेल्ड में हम पढ़ा चुके हैं, ये बिल्कुल टेस्ट की क्लास है। प्रश्न संख्या 6 स्क्रीन पर है, यकृत की सिरोसिस किस कारण होती है, कोकेन, मॉर्फिन, शराब या फिर ऑप्शन डी है एलएसडी। इस प्रश्न के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, शराब के कारण यकृत की सिरोसिस होती है, लिवर सिरोसिस होती है। 7वें नंबर का क्वेश्चन है, यकृत कोशिकाएं जो भक्षी कोशिकाओं का कार्य करती हैं कौन सी कोशिकाएं कहलाती हैं, क्रोमैफिन कोशिकाएँ, धूल कोशिकाएँ, कुफर कोशिकाएँ या पेट्यूसाइट्स कहलाती हैं। तो प्रश्न संख्या 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यकृत कोशिकाएं जो भक्षी कोशिकाओं का कार्य करती हैं कुफर कोशिकाएं कहलाती हैं। आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 8 स्क्रीन पर है, डीपीटी का प्रयोग किसे रोकने में होता है, ट्यूबरकुलोसिस को, डिफ्थीरिया को, पोलियो को या फिर प्रोटोजोआ को? इस प्रश्न के लिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, डिफ्थीरिया को रोकने के लिए डीपीटी का प्रयोग होता है। डीपीटी के बारे में बिल्कुल डिटेल लेक्चर हमने दिया था, क्वेश्चन समझाया था, तो वहाँ पर बताया था कि डीपीटी का टीका किस किस रोग के नियंत्रण में प्रयोग में आता है। आते हैं अगले प्रश्नों की तरफ,
अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है भाई, जिसे दिखाई नहीं देगा वो अपने वीडियो की क्वालिटी को एक बार इंक्रीज करके देखेंगे। 9वें नंबर का क्वेश्चन है, दाद रिंगवर्म निम्न में से किसके संक्रमण द्वारा होता है? कवक के द्वारा, विषाणु के द्वारा, जीवाणु संक्रमण से, या फिर प्रोटोजोआ के संक्रमण से? तो 9 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। दाद या रिंग वर्म इसको अंग्रेजी में कहा जाता है, ये कवक के संक्रमण के द्वारा होता है। 10वां क्वेश्चन है, BCG का प्रयोग किसे रोकने में होता है? काली खांसी को, कैंसर को, TB को, या फिर मधुमेह को? तो बिल्कुल आपने राइट आंसर, बहुत सारे लोग इसका करेंगे। तो BCG का प्रयोग किसे रोकने में होता है? TB को रोकने में होता है। अपना स्कोर आप लोग क्लास के एंड होने के बाद कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। प्रश्न संख्या 11 स्क्रीन पर है, हमारे शरीर में प्रतिरोधी तंत्र का शमन किस बीमारी के द्वारा होता है? तो एड्स बीमारी के द्वारा होता है। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एड्स एक प्रकार की बीमारी है तो ये विषाणु जनित बीमारी है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, प्रश्न संख्या 13 है, मलेरिया के लिए सबसे अधिक प्रमाणित औषधि है कौन सी? स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्यूनिन, पेनिसिलिन, या फिर ऑप्शन डी दिया है, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न के लिए जो राइट आंसर होगा, मलेरिया के लिए सबसे अधिक प्रमाणित औषधि क्या है? क्यूनिन यहां पर लिखा है, कहीं कहीं पर आपको कुनाइन मिल जाएगा, तो वह भी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 14 है, निम्न में से कौन सा विषाणु जनित रोग है? हैजा, टेटनेस, रेबीज, या फिर इनमें से कोई नहीं? विषाणु जनित रोग पूछा है, ध्यान दीजिएगा। तो 14 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा, रेबीज रोग क्या है? विषाणु जनित रोग है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, प्रश्न संख्या 15, और ये मैंने विटामिन वाली क्लास में कहा जब मैंने एप्लीकेशन पर आपको विटामिन पढ़ाया था। तो निम्नलिखित में से किस रोग को शाही रोग कहते हैं, रॉयल डिजीज कहते हैं? हीमोफीलिया, कैंसर, मधुमेह, या फिर रक्ताल्पता? तो प्रश्न संख्या 15 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा, हीमोफीलिया रोग को शाही रोग कहते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन है, एलर्जीज मुख्यतया होती है टीकाकरण के कारण, परागण के कारण, रुधिर के कारण, या फिर औषधियों के कारण? तो 16 नंबर का क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा आप सभी का, कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, या फिर डी ऑप्शन? तो परागण के कारण, पॉलिनेशन के कारण एलर्जीज मुख्यतया होती है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, प्रश्न संख्या 17, मलेरिया परजीवी का नाम क्या है? मलेरिया परजीवी का नाम क्या है? तो मेरे साथियों, मलेरिया परजीवी का नाम क्या है? प्लाज्मोडियम है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है क्या एक कीटनाशक, स्वापक औषधि, एक प्रतिजीवी, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो प्रश्न संख्या 18 के लिए ऑप्शन सी, एक प्रतिजीवी, क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर का क्वेश्चन है, ल्यूकीमिया किसका कैंसर है? और ये क्वेश्चन भी मैं चैनल पर करवा चुका हूँ। ये बिल्कुल टेस्ट की तरह क्लास है। ल्यूकीमिया किसका कैंसर है? त्वचा यानी या फिर स्किन का, रुधिर या फिर ब्लड का, स्तन या फिर निपल का, या फिर जेवा टंग का? तो ल्यूकीमिया किसका है? ये रुधिर का है, एक प्रकार का ब्लड कैंसर है। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 20 स्क्रीन पर है, काली मृत्यु, ब्लैक डेथ नाम दिया गया है मलेरिया को, हैजा को, कैंसर को, या फिर ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? प्लेग का। तो किसको दिया गया है नाम काली मृत्यु, ब्लैक डेथ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 20 के लिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, प्लेग का, ठीक है। प्लेग का नाम ब्लैक डेथ, काली मृत्यु दिया गया है। आएंगे अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 21 देखिएगा, एस्कैरिस किसके द्वारा स्थानांतरित होता है? एस्कैरिस किसके द्वारा स्थानांतरित होता है? 4 विकल्प है। पहला विकल्प है घरेलू मक्खी के द्वारा, दूसरा विकल्प आप सभी के सामने है संक्रमित भोजन तथा जल के द्वारा, तीसरा विकल्प आप सभी के सामने है मच्छर के द्वारा, और चौथा विकल्प क्या है? सीसी मक्खी के द्वारा। तो 21 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, संक्रमित भोजन तथा जल के द्वारा एस्कैरिस स्थानांतरित होता है। आते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। प्रश्न संख्या 22 आप सभी के स्क्रीन पर है,
प्रश्न संख्या 22 देखिएगा, चूहे किसके रोगाणुओं के स्थानांतरण के लिए जाने जाते हैं? मलेरिया के, टाइफाइड के, प्लेग के या फिर रेबीज के? ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, चूहे प्लेग के रोगाणुओं के स्थानांतरण के लिए जाने जाते हैं। 23 नंबर का क्वेश्चन है, टीनियसिस का संक्रमण मुख्यतया किसके कारण होता है? 23 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 23 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, टीनियासिस का संक्रमण ठीक है मुख्यतया किसके कारण होता है? मच्छर, कम पके हुए भोजन, संक्रमित भोजन तथा जल या फिर इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, टीनियासिस का संक्रमण मुख्यतया कम पके हुए भोजन के कारण होता है। आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 24 है, काला अजार किसके द्वारा होता है? एस्कैरिक के, लीशमानिया के, साल्मोनेला के या फिर ट्रिपैनोसोमा के? तो काला आजार भैया किसके द्वारा होता है? लीशमानिया वह एजेंट है, वह कारक है जिसके कारण काला आजार रोग होता है। प्रश्न संख्या 25 है, पोलियो के टीके का निर्माण सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? तो जे साल्क के द्वारा किया गया। कहीं कहीं ऑप्शन में जोहानस ई साल्क दिया होता है, तो वह भी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस टेस्ट में, इस क्लास में आपको टोटल 25 क्वेश्चंस बताए गए। अब आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर बताएंगे कि आपके कितने आंसर सही हुए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। अगली क्लास जिम्नोस्पर्म्स पर आधारित होगी। जय हिंद।